एक घर में सास बहू रहती थी जो कि बहुत ही झगड़ा करती रहती थी। फिर उन दोनों के पति उन्हें सत्संग जाने को कहते हैं, जिससे कि वो दोनों कुछ अच्छी बातें सुनकर कुछ सुधर जाए। सास हॉल में बैठी बहू का इंतजार कर रही होती है, तभी बहू अपने कमरे से सज धज कर इतराते हुए चलती आती है। उसके हाथ में अपना मोबाइल फोन होता है और एक छोटी सी पर्स होती है और गॉगल भी पहनी होती है। उसे ऐसे आकर देख सास बोल पड़ती है, ओ मैम साहब, हम सत्संग जा रही हैं। सत्संग कोई फिल्म देखने नहीं जा रहे, जो ऐसे मॉडल बनकर आई हैं। हाँ तो क्या करूँ, सफेद रंग की साड़ी पहनकर चलूँ क्या, जैसे कोई तपस्या करने जा रही हूँ? तो क्या ऐसे चलेगी? हाँ मैं तो ऐसे ही चलूंगी, मेरा भी कोई स्टेटस है, ऐसे नहीं कि मैं कैसे भी जाऊंगी। तो फिर तू रुक, मैं अभी आती हूँ। अब आप कहाँ चली? तुझे क्या करना है, आती हूँ मैं। अलका अंदर चली जाती है। रीमा बड़े स्टाइल में सोफे पर बैठ जाती है। थोड़ी देर में अलका तैयार होकर आती है। भरजरी साड़ी ज्वेलरी पहने वो आती है। उसे देख रीमा कहती है, ये क्या पहनकर आई हो, शादी में थोड़ी जा रहे हैं? अगर तेरा ये स्टेटस है तो मेरा स्टेटस तो तुझसे बढ़कर ही होगा ना। चल अब बातों में टाइम मत वेस्ट कर। मेरा क्या जाता है, चलो। दोनों मिलकर एक घर की तरफ जाती है जहां बड़े से हॉल में सत्संग चालू होता है। ये दोनों चुपचाप से आकर पीछे बैठ जाती हैं, जहां सब लोग बिल्कुल सादे कपड़ों में बैठे होते हैं और शांति से आंखें बंद किए हुए बाबा जी का प्रवचन सुन रहे होते हैं। वो बाबा कह रहे होते हैं, भक्तो, जिंदगी में कपड़ा, बाहर घूमना फिरना, अच्छा मोबाइल का इस्तेमाल करना, यह हर किसी को पसंद होता है, पर यह सब मोह माया है, इससे हमेशा दूर रहना चाहिए। तभी उसके ये बात सुनकर रीमा उठती है और कहती है, अरे ये सबसे दूर रहेंगे तो हम जिंदा कैसे रहेंगे, और मोबाइल उससे तो दूर रह ही नहीं सकते। सारी सहेलियां व्हाट्सएप पर और इंस्टा पर स्टेटस डालेगी और फिर हम उन्हें अपना स्टेटस कब दिखाएंगे? बेटी ये सब क्या बोल रही हो, और तुम ये कैसे कपड़े पहनी आई हो, यह सत्संग है, यहाँ हमेशा सादे कपड़ों में आना होता है। तो अब क्या मैं इस सत्संग के खातिर मैं नए कपड़े सिला दूँ, उसका खर्चा कौन करेगा, और मैंने वैसे कपड़े पहन ले तो मेरा स्टेटस का क्या होगा? आप इसकी कुछ बात मत सुनना बाबा, इसका तो कोई पूछता तो है नहीं और स्टेटस कर रही है। आप कौन हो? इसकी सास। तो बहन जी आप यहाँ किस लिए आई हैं? यहाँ क्या होता है बाबा? यहाँ सत्संग होता है। तो इसी के लिए आई होगी ना मैं, या डांस करने आई हूँ? क्या बाबा आपको ही पता नहीं? वो मुझे पता है, लेकिन इतने जेवरात क्यों पहन कर आई हो? अब ये ऐसी आएगी तो मैं तो इसकी सास हूँ, मुझे तो इससे अच्छा बनकर ही आना होगा ना। आप दोनों बैठ जाइए। देखिए भक्तजनों, ईर्ष्या मनुष्य के जीवन में बहुत बदलाव ला सकती है। बाबा का फिर से प्रवचन शुरू होता है तो रीमा उसके तरफ ध्यान न देते हुए अपने मोबाइल में देखना शुरू कर देती है और बीच में ही जोर से चिल्लाकर गाना गाने लगती है और उठकर नाचने भी लगती है। ओ साकी साकी रे, ओ साकी साकी, आपा सा रहना चाहे कोई ख्वाहिश बाकी। रीमा नाचने लगती है और उसके साथ बाकी लोग भी नाचने लगते हैं। बाबा जोर से चिल्लाते हैं, चुप करो सब लोग, बंद करो यह नाच गाना। बाबा का आवाज सुनकर सब लोग नीचे बैठ जाते हैं। तुम क्या चल क्या रहा है तुम्हारा, ये सत्संग है बेटी। अरे बाबा ये है ही ऐसी, घर में भी जब मैं कुछ अच्छी बातें बताती हूँ तो ऐसे ही कुछ ना कुछ करती है, इसे तो अच्छी बातें सुनना पता ही नहीं है। हाँ मुझे अच्छी बातें सुनना पसंद नहीं है, और जैसे आप बहुत सुन रही हो, आके देखो बाबा ये तो ऑनलाइन लूडो खेल रही है। ये क्या है बहन जी? कुछ नहीं बाबा, वो लॉकडाउन का असर है। तभी वहाँ का एक आदमी खड़ा होता है
और गुस्से में कहता है, बाबा कब से इन दोनों की वजह से सारे सत्संग की वाट लग गई है, आप इन दोनों को बाहर करो और सत्संग शुरू करो। अरे बालक, ऐसे गुस्सा नहीं करते, अपने गुस्से पर हमें काबू करना आना चाहिए। अब मुझे ही देखो, मुझे इन पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा है, और क्या पता ये दोनों भी सत्संग सुनने से बदल जाए। तुम बैठ जाओ। बाबा ये मैं क्या सुन रही हूँ, क्या वो सच है? क्या बेटी? कि आपको कभी भी गुस्सा नहीं आता, आपका आपके गुस्से पर कंट्रोल है। हाँ बेटी, मुझे कभी गुस्सा नहीं आता। ऐसे कैसे, कभी तो गुस्सा आता ही होगा। नहीं आता। बराबर बोल रही है बहू, आपको गुस्सा आता होगा। नहीं आता। नहीं नहीं, गुस्सा तो हर किसी को आता है, तो आपको भी आएगा ही आएगा। मैंने कहा ना बेटी, मुझे कभी भी गुस्सा नहीं आता। ऐसा थोड़ी ना होता है, आपको गुस्सा जरूर आता होगा। नहीं तो कभी भी नहीं आया गुस्सा। वो देखिए, अभी आपको थोड़ा थोड़ा गुस्सा आने लगा है, मुझे दिख रहा है। माँ जी वो देखिए, अभी आपको थोड़ा थोड़ा गुस्सा आने लगा है, मुझे दिख रहा है। माँ जी आपको दिख रहा है क्या? हाँ हाँ, मुझे भी दिखाई दे रहा है, थोड़ा थोड़ा गुस्सा आ रहा है अभी। बाबा हंसने का नाटक करता है और कहता है नहीं नहीं बेटी, मुझे गुस्सा तो नहीं आ रहा, देखो मैं तो अच्छा खासा हंस रहा हूँ। वही तो, आपको गुस्सा तो आ रहा है, पर आप उस गुस्से को इस हंसी के पीछे छुपा रहे हो। हाँ अगर गुस्सा आ रहा है तो आ रहा है, बोलो ना बाबा, उसमें कौन सी बड़ी बात है, हर किसी को गुस्सा आता है, अब आदमी हो तो गुस्सा तो आएगा ही ना। नहीं आता मुझे गुस्सा, मैं आदमी नहीं हूँ। ओ पापा, आप आदमी नहीं हो, यानी कि आप वो? अरे नहीं नहीं बेटी, गलत समझ रही हो, मैं आदमी ही हूँ, पर सामान्य आदमी नहीं हूँ, मैं ध्यान करता हूँ तो मुझे गुस्सा नहीं आता है। मैं नहीं मानती, मुझे पता है आपको अभी गुस्सा आने लगा है। नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। झूठ क्यों बोल रहे हो पापा, अब आ रहा है गुस्सा तो आ रहा है, बोलो ना। फिर अब बाबा अपने हाथ पर हाथ को मारते हैं और जोर से गुस्से में कहते हैं, मैंने कहा ना मुझे गुस्सा नहीं आता, नहीं आ रहा है मुझे गुस्सा, बार बार गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है कहकर मुझे गुस्सा मत दिलाओ तुम दोनों। अच्छा अच्छा ठीक है बाबा, अब हम कुछ नहीं कहेंगे, बस आप गुस्सा मत हो ना। तुम चुप करो। और अब बाबा अपने सर को पकड़ कर बैठ जाते हैं। वैसे रीमा और अलका उसके पास चली जाती है। रीमा उससे कहती है, क्या हुआ बाबा? कुछ नहीं बेटी, थोड़ा सर दर्द करने लगा है। पता है बाबा, मेरा भी सर दर्द तब होता है। कब? जब ये रीमा मेरी बात नहीं सुनती, फिर मुझे गुस्सा आता है, और मैं गुस्सा कर लेती हूँ ना इस पर, तो मेरा सर दर्द होने लगता है। ओ, यानी माँ जी बाबा को भी गुस्सा आया है और उसके वजह से इनका सर दर्द कर रहा है। बाबा उन दोनों की तरफ देखता है और गुस्से में उठता है और उनसे जोर से कहता है, निकलो यहाँ से अभी के अभी, नहीं तो मुझे सच में बहुत गुस्सा आएगा, निकलो। बाबा का ये गुस्सेल रूप देख अलका और रीमा वहाँ से भाग निकलती है।